दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल में। अगर इंस्टाग्राम ऐप में मैसेज भेजते वक्त किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉट एवरीवन कैन मैसेज दिस अकाउंट, अगर आप किसी को भी मैसेज भेज रहे हैं और आपका जो मैसेज है वो नहीं जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नॉट एवरीवन कैन मैसेज दिस अकाउंट। अगर इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताया है कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नॉट एवरीवन कैन मैसेज थिज अकाउंट, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बस आपको हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, और मैंने आपको आपकी अपनी भाषा हिंदी में समझाया है कैसे आप नॉट एवरीवन कैन मैसेज थिज अकाउंट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये जो एरर है इस एरर को मैं आपके सामने लाइव ठीक करके दिखाऊंगा कैसे आप इस एरर को ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद आप मल्टीपल मैसेज भेज सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। आपको यहाँ पर नॉट एवरीवन कैन मैसेज दिस अकाउंट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जिसे भी आप मैसेज भेज रहे हैं उसने अपने फोन में कुछ सेटिंग की हुई है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नॉट एवरीवन कैन मैसेज दिस अकाउंट दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से अगर बैक करके आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई और चैट को ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पर दूसरी चैट में कोई इस तरह का एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने फ़ोन में कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सेटिंग केवल उस फ़ोन में करने की ज़रूरत है जिसे आपको मैसेज भेजना है। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन करेंगे जिस अकाउंट पर हमें मैसेज भेजते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ये जो अकाउंट है इस अकाउंट पर मैसेज भेजते वक्त हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पर इसी अकाउंट को अब लॉगिन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर टच किया और मैंने यहाँ पर दोनों अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर इस अकाउंट को अब लॉगिन कर लेता हूँ। अब हमने वो अकाउंट लॉगिन कर लिया है जिस अकाउंट पर मैसेज नहीं जा रहा था। अब हम यहाँ से एक बार बैक करेंगे, और बैक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के आइकन पर टच करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर टच करना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैसेज एंड स्टोरी रिप्लेस पर टच करना है। मैसेज एंड स्टोरी रिप्लेस पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अब मैसेज कंट्रोल पर टच करना है। मैसेज कंट्रोल पर टच करने के बाद आप यहाँ पर डोंट रिसीव पर टच करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट पर टच करेंगे। मैसेज रिक्वेस्ट पर टच करने के बाद आप यहां से बैक करेंगे, उसके बाद आप यहां पर अदर पीपल पर टच करने के बाद यहां पर मैसेज रिक्वेस्ट पर दोबारा टच करेंगे। अब यहां से हम बैक कर लेते हैं, और ये जो सेटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बैक करने के बाद ये चेक कर लेना है अकाउंट प्राइवेट तो नहीं है। अगर अकाउंट प्राइवेट है तो आपको यहाँ पर प्राइवेट दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर अकाउंट प्राइवेसी के सामने आपको प्राइवेट दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर इसे पब्लिश करने के लिए अकाउंट प्राइवेसी पर टच करना है, और यहाँ पर आपको एक बार टिक मार्क करना है। यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। नीचे की तरफ अब आप यहाँ पर स्विच टू पब्लिश पर टच करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो पब्लिश हो चुका है। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी है। मैं अगर दूसरे अकाउंट से अब इस अकाउंट पर मैसेज भेजना चाहूँगा तो मैं अब आसानी से मैसेज भेज सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर टच करूँगा और दूसरे अकाउंट से अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और हम यहाँ पर अब होम के आइकन पर टच करने के बाद मैसेज के आइकन पर टच करते हैं, और मैं अब मैसेज भेजने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं वो जो प्रॉब्लम है ठीक हो चुकी है। अब मैं आसानी से मैसेज भेज सकता हूँ, और जो हमें एरर आ रहा था वो भी यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से नॉट एवरीवन कैन मैसेज दिस अकाउंट की जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।